तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल टंटी पे। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि रेडमी का लॉक को अनलॉक कैसे कर सकते हो। बहुत सारे मेरे फ्रेंड भाई लोगों ने कमेंट किया था कि रेडमी में लॉक लग गया, रेडमी का वीडियो ही नहीं लगा बनाते, एमआई का वीडियो नहीं बनाते, ज़्यादातर वीवो रियलमी ओप्पो का वीडियो बनाते हैं, रेडमी के बारे में वीडियो बना दीजिए। तो मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ कि रेडमी का लॉक को अनलॉक कैसे कर सकते हो भाई। बहुत ही ट्रिक अपना है, बहुत एकदम सिंपल सिंपल ट्रिक यहाँ पे यूज किया, बहुत लेकिन मेहनत लगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, मात्र यहाँ पे मैं जो जो ट्रिक बताऊँगा उसको आप फॉलो कीजिएगा। मैं वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर दूँगा। स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन भी दबा देना ताकि कभी भी यूट्यूब पे मेरा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। वीडियो का स्टार्ट करने के पहले पहले यहाँ पे देखिएगा फ्लाइट मोड का, एयर मोड का, एयर मोड कर दीजिएगा अपना फ़ोन। इसके बाद यहाँ पे आना है तो यहाँ पे फिर ऊपर करना, यहाँ पे पैटर्न हो, पिन हो, पासवर्ड हो, कुछ लेना देना नहीं है। अब पहला चीज यहाँ पे आप देखिएगा इमरजेंसी कॉल कहाँ, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं भी होगा दोस्त, लेकिन होगा। इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करना। यहाँ पे इमरजेंसी कॉल दो चीजों के लिए काम आता है, पुलिस स्टेशन पे जाकर कॉल करने के लिए, एक हॉस्पिटल पे कॉल करने। लेकिन यहाँ पे मैं तीसरा चीज बताता हूँ कि यहाँ पे इमरजेंसी कॉल लॉक के लॉक को अनलॉक करने में भी काम आता है। यहाँ पे मैं कुछ कोड डालूंगा इंजीनियर मोड का, जो कोड होता है *8999#। यहाँ पे मैंने डाल दिया यहाँ पे, जिसकी देखिए दोस्तों यहाँ पे इंजीनियर मोड का फाइल ओपन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे होते हुए भी फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना, मैनुअल टेस्ट होगा। यहाँ पे मैनुअल टेस्ट पे क्लिक करना है, फिर एक बार स्क्रोल करना मात्र एक टाइम, फिर यहाँ पे देख लेना है टच स्क्रीन को। यहाँ पे टच स्क्रीन को ऑन करेंगे, फिर हल्का बैक करेंगे, फिर टच स्क्रीन ऑटो टेस्ट यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे टच कीजिएगा, ऑटो में पास हो जाएगा। यहाँ पे फेल बता रहा है, फिर कोशिश करेंगे, फिर ओपन करेंगे, यहाँ पे पास हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे पास हो गया। अगर फेल बताएगा तो फिर इसको यूज कीजिएगा, फिर बैक कीजिएगा, फिर जी सेंसर ओपन कर देना है। जी सेंसर में ओपन कर दिया, यहाँ पे 300 डिग्री तक रहेगा। अगर 300 से कम रहा तो आप एक दो मिनट थोड़ा वेट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बैक कीजिएगा, फिर बैक कीजिएगा, फिर सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे जाइएगा। सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे की स्टेटस में देखेंगे कि यहाँ पे मेरा FRP गूगल जो की होता है पास है कि ना। यहाँ पे मेरा गूगल की पास है, आप भी देख सकते हो। फिर इसके बाद बैक कर दीजिएगा। फिर बैक करने के बाद डाटा बेस वर्जन पे 4 से 5 टाइप क्लिक कर, 1 2 3 4 5 एंड देन इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिडीम रीसेट कम्प्लीट इंडेक्ट को चेक कीजिएगा। यहाँ पे पास, अगर यहाँ पे पास हुआ तो मात्र थ्री टाइम आपको इसको बैक करना है, 1 2 3 एंड देन आपका फोन अनलॉक हो गया। जैसे कि यहाँ पे मेरा फोन अनलॉक हो गया, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट में ये भी बताइएगा कि फोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये फोन का लॉक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में हेल्पफुल वीडियो लाऊंगा आपके लिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।